याद दिलाया तो बोलना चाहूँगा दर्शकों के कि मैंने एक एल्बम अभी आया था जो हमारा उड़ी हमला हुआ था, तो उसमें मैंने गाना गाया था घुस के मारा पाकिस्तान में, जिसका इन्होंने म्यूजिक दिया था। एक लाइन गुनगुनाना चाहूँगा उसका, बहुत ही अच्छा एल्बम रहा। नया एल्बम था, नया कंपनी से रिलीज हुआ था, फिर भी उस कंपनी में जो है कम से कम 5 लाख से ज़्यादा व्यूवर आया, काफ़ी सब्सक्राइबर भी बढ़ा। गाना गाने का बोल था कि धमकी देबा तो पड़िए भारी, हा बेटा युद्ध में जाइबा हारी, आ धमकी देबा तो पड़िए भारी, हा बेटा युद्ध में जाइबा हारी, तब की घुस के मारब आके पाकिस्तान में मोदी जी के सहन में ना, कि अब की घुस के मारब आके पाकिस्तान में मोदी जी के सहन में ना। मुझे बड़ी अच्छा लगता कि देश के लिए मैंने कुछ किया और काफी लोगों ने सराहा है। और आज हम जो भी काम करते हैं सारे टीम की वजह से काम करते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छा गाना मिलता है, अच्छा कंपोजिशन होता है। आज हमारे एक शख्स मेरे बीच में नहीं है जिनका नाम है राकेश सिंह, जिन्होंने मुझे एक से बढ़कर एक गाना देते रहते हैं और उस गाना में जान भरते हैं ये। और सबसे लास्ट काम करता हूँ कि मैं उस पर बस कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा गा पाऊँ, और बाकी बात तो आप लोगों के हाथ में है। दर्शक जो है हमारे भगवान हैं, हमारे सब कुछ वही हैं, वही हमें सराहते हैं और वो गाना को हिट करते हैं, तो हम उनसे दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा गाना जो है होली में हल्ला हुई वो सुने और लोगों में सुनाए, और मेरे पिछले एल्बम की तरह जो है इसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे सौभाग्य की बात है कि ममता जी आज हमारे साथ में हैं। जब मैं पहली बार ममता जी के साथ गाना गाया था तो मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था, मैंने स्टूडियो में बोला कि पहले ममता जी को जाने दीजिए तब गाना गाएंगे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और आज ममता जी के साथ में है तो अच्छा लग रहा है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सबसे पहले ही बोला था उन्होंने कि सुरजीत जी गाना बहुत अच्छा है, आप मार्केटिंग कीजिए तो गाना का रिस्पॉन्स मिलेगा। और आज सचमुच गाने का रिस्पॉन्स मिला, तो उनको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।